ऊना और हरोली विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाले हिमाचल के सबसे लंबे हरोली रामपुर पुल सियासत का अखाड़ा बनना शुरू हो गया है। 20 जुलाई को मुकेश अग्निहोत्री द्वारा कार्यकर्ताओं के दलबल सहित पुल का निरीक्षण करने के बाद भाजपा ने मुकेश अग्निहोत्री की घेराबंदी शुरू कर दी है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता रामकुमार ने मुकेश अग्निहोत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुकेश अग्निहोत्री पुल का शुभारंभ करने की मंशा से पुल पर गए थे, जबकि सभी को पता है कि जल्द ही सीएम जयराम ठाकुर स्वयं इस पुल का लोकार्पण करके इसे जनता को समर्पित करेंगे। रामकुमार ने कहा कि बरसात के मौसम में लोगों की दिक्कतों को देखते हुए उद्घाटन से पहले प्रशासन ने इस पुल पर आवाजाही शुरू करवा दी है। रामकुमार ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री को निरीक्षणों का इतना ही शौक है तो कांग्रेस कार्यकाल में हरोली में बनाए गए भवनों का निरीक्षण करें ताकि वो भवन आज खंडर ना बनते। रामकुमार ने कहा कि अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ देने के लिए हरोली क्षेत्र में बड़े बड़े भवन तो बना दिए गए हैं, लेकिन उन भवनों में आज तक काम नहीं किया गया है। पुल पे जाना, पुल को देखना, किसी स्थान पर जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो या कोई, इसमें मैं कोई गलत नहीं मानूंगा इसमें, लेकिन जो मंशा थी वो हम सबको मालूम है। उनकी मंशा तो ये थी कि जाकर उस पुल का शुभारंभ कर दें। सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के ठाकुर जयराम जी बहुत जल्द इस पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। बरसात में लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने, विभाग ने इस पुल पर आवाजाही पहले से ही शुरू करवा दी है। हालांकि अभी भी जाके देख सकते हैं, अभी भी पुल का कुछ काम चला हुआ, अभी रेलिंग बन रही है, कुछ अप्रोच रोड का काम चल रहा है, लेकिन बरसात के मौसम को मद्देनजर रखते हुए, लोगों को कठिनाई ना हो इसका ख्याल करते हुए उसको चला दिया है और बहुत जल्द मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। मेरा निवेदन है श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से कि अगर उनको निरीक्षण करना है तो 5 साल आपकी सरकार रही, 4 साल पहले, 4.5 साल पहले बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें आपने बनवाई थी। अच्छा होता आप उनका निरीक्षण करते तो आज वो बिल्डिंगें डरना बनती।